नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर से वीडियो लेकर आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा दोस्तों एओसी आर्मी और देन स्कोप जो पहले रिक्रूटमेंट आया था। तो दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, आज से ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो चुका है। तो मैं आप लोग को आज इस वीडियो में बताऊंगा ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें, मैं आप लोग को प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो बिना स्किप करके अंत तक देखते रहना और बने रहना। दोस्तों मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जिस चैनल आप देख रहे हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो ऑल इंडिया गवर्नमेंट के जॉब के रिलेटेड के बारे में इसी चैनल में आप लोग को भी देखने को मिलते रहेगा और पूछते रहेगा। तो दोस्तों मैंने ऑलरेडी बना के रखा है इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसमें कौन कौन अप्लाई, ये दोस्तों मैं आप लोग को बता दूँ, ये किसी भी राज्यों से किसी भी स्टेट से बिलोंग कर दे तो ये अप्लाई कर सकते हैं, ये ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसमें सिंपल क्लास 10 पास होने से भी इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों ये आप लोग को अप्लाई करना होगा। दोस्तों ये लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, दोस्तों जैसे लिंक पर क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट वही इस वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। दोस्तों वीडियो बिना स्किप करके अंदर देखते रहना, क्योंकि वीडियो अगर अप्लाई करने से पहले आप लोग को वीडियो देखना जरूरी है, इसलिए अच्छा से देख लेना। अगर एक बार सबमिट करोगे तो दोबारा से आकारक्षण ऑप्शन नहीं मिलेगा, इसलिए अच्छा से देख लेना, उसके बाद आप खुद ही अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों तो पहले आप लोग को क्या करना है, दोस्तों पहले आप लोग को रजिस्टर करना होगा। दोस्तों इस क्रिएट न्यू रजिस्टर बटन पर सिंपली से क्लिक कर देना। दोस्तों जैसे क्रिएट न्यू रजिस्टर बटन पर क्लिक करोगे तो इस तरफ से इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो इस तरफ से इंटरफेस देखने को मिलेगा तो आपको ये आप लोग सेलेक्ट करना होगा। दोस्तों अगर मेल है तो मिस्टर ले लेना, अगर फीमेल है तो मिस लेना। उसके बाद इस तरफ से इंटरफेस देखने को मिलेगा। दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट हिसाब से फर्स्ट नेम डाल देना, उसके बाद आपका मिडिल नेम है तो डाल सकते हो, अदरवाइज शॉर्ट भी सकते हो, इसमें कंपलसरी नहीं है। दोस्तों उसके बाद आपका लास्ट नेम डाल देना, उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ डालना होगा दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट हिसाब से। उसके बाद दोस्तों आपका फादर नेम डाल देना, उसके बाद आपका जेंडर क्या है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर डाल देना, क्योंकि मोबाइल नंबर एक्टिव मोबाइल नंबर एंड एक्टिव ईमेल आईडी डाल देना, क्योंकि एक्टिव मोबाइल नंबर एक्टिव मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा, इसलिए एक्टिव मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डाल देना। दोस्तों उसके बाद पासवर्ड क्रिएट करना होगा, दोस्तों स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको क्रिएट करना होगा। दोस्तों दोबारा से कंफर्म कर देना, उसके बाद कैप्चा आप लोग को कैप्चा फॉर्म फिलअप कर देना। उसके बाद दोस्तों रजिस्टर लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना, उसके बाद ईमेल और मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा, अलग अलग से आप लोग को ओटीपी भर देना, उसके बाद सक्सेसफुली सबमिट बटन पर क्लिक कर देना। दोस्तों मैंने तो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर दिया है दोस्तों, तो इसलिए मैं फिर लॉगिन कर दूंगा। उसके बाद फिर से आप लोग को ऑटोमेटिक देखने को मिलेगा। तो दोस्तों फिर से इस तरफ से इंटरफेस देखने को मिलेगा, होम पर आके आप लोग को लॉगिन करना होगा। दोस्तों इस पर जो भी आपने ईमेल आईडी दिया है वो आपको डाल देना, उसके बाद जो भी आपने पासवर्ड क्रिएट किया वो आपको डाल देना, उसके बाद इस वेबसाइट पर फिलअप कर देना, उसके बाद लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक कर देना। चलो मैं फटाक से डाल देता, आपको भी आपको हिसाब से डाल देना। तो दोस्तों देख सकते हो मैंने ईमेल आईडी पासवर्ड कैप्चा फिलअप कर दिया, उसके बाद मैं लॉगिन ऑप्शन पर नंबर सिंपली से क्लिक कर देना। दोस्तों जैसे लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो इस तरफ से खुलेगा, देख सकते हो दोस्तों प्रोफाइल खुल चुका है। दोस्तों फाइनली तो इस तरफ से इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आप लोग को क्या करना है, ये आप लोग को इस तरफ से इंटरफेस देने को नीचे स्क्रॉल डाउन करके आप लोग को पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। दोस्तों इस तरफ से इंटरफेस देने को मिलने के बाद ये आप लोग को देख सकते हो, तो इस पर क्लिक कर दे, टिक मार्क कर दे रहा है। जैसे टिक मार्क करके सब ऑटोमेटिकली देख सकते हो ग्रीन हो चुका है, टिक मार्क हो चुका है। तो उसके बाद एग्री एंड कंटिन्यू टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पर सिंपली से ऊपर क्लिक कर देना। दोस्तों जैसे ऊपर क्लिक करोगे तो दोस्तों इस तरफ से फिर से इंटरफेस देखने को मिलेगा। दोस्तों ऊपर वाला तो ऑटोमेटिकली चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, ये ऑटोमेटिक रहेगा। उसके बाद आपको पोस्ट अप्लाई, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, इसमें आप लोग को दोस्तों फायरमैन एंड ट्रेनमैन पोस्ट आप लोग को देखने को मिलेगा। आपको किस पोस्ट के लिए आवेदन कर जाना चाहते हो, अप्लाई करना चाहते हो, दोस्तों आपको हिसाब से डाल देना। दोस्तों चलो मैं फायरमैन ही मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। दोस्तों उसके बाद जेंडर ईमेल जेंडर तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, जब आपने रजिस्टर किया वो आप लोग को चेंज कर नहीं पाओगे। उसके बाद दोस्तों आपका कास्ट क्या है, आपका कैटेगरी क्या है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। दोस्तों देख सकते हैं एससी एसटी ओबीसी देख सकते हो, आपको हिसाब से डाल देना। तो उसके बाद दोस्तों ये देख सकते हो कैटेगरी, आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना होगा। दोस्तों अगर कैटेगरी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है वो ये सिलेक्ट कर देना, अगर एक्स सर्विस में ले तो अगर स्पोर्ट पर्सन है तो वो आपको सिलेक्ट कर देना। दोस्तों उसके बाद जो भी अगर आपको हिसाब से आपको डाल देना, मैंने स्पोर्ट पर्सन मैंने डाल दिया, उसके बाद इस तरफ से थोड़ा लोडिंग रहेगा। उसके बाद दोस्तों देख सकते हो आपका सिटीजन तो आपको पता होगा सिटीजन ऑफ इंडिया ही होगा। उसके बाद इस पर अदर रिएक्शन अगर चाहिए तो यस कर देना, आपको अदरवाइज नहीं कर देना, इस तरफ से आप लोग को देखने को मिलेगा। फायरमैन अप्लाई करने के लिए दोस्तों देख सकते हैं क्लास 10 पास होना जरूरी है। दोस्तों उसके बाद इस तरफ से फिलअप करने के बाद आई एग्री बटन पर सिंपली से क्लिक कर देना। जैसे आई एग्री बटन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों इस तरफ से इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें बोला गया है डिटेल वन सेफ कैनॉट बीट अमेंडेड लेटर, आर यू श्योर यू वांट टू प्रेस, इसमें यस और न्यू एप्लीकेशन बटन पर सिंपली से क्लिक कर देना। देख सकते हो दोस्तों एप्लीकेशन क्रिएटेड सक्सेसफुली हो चुका है, ओके बटन पर सिंपली से क्लिक कर देना। जैसे ओके बटन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों इस तरफ से फिर से इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आप लोग को क्या करना है दोस्तों, ये आप लोग को देख सकते हो दोस्तों नाम इस तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप लोग को क्या करें, दोस्तों ये आप लोग को मदर नेम डालना होगा। दोस्तों उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ आपका रिलीजन क्या है वो आपको डालना होगा। दोस्तों हिंदू मुस्लिम देख सकते हो, सारी इस पर आप लोग को देखने को मिलेगा। दोस्तों उसके बाद इस तरफ से इंटरफेस देखने को मिलेगा। दोस्तों
तो आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हो आधार नंबर आपको डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, अदरवाइज छोड़ भी सकते हो, इसमें कोई कंपलसरी नहीं दोस्तों। उसके बाद ये स्टेट कोड भी अगर पता है तो डाल देना, अदरवाइज छोड़ भी सकते हो। उसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, अगर सिंगल है तो सिंगल, मैरिड तो मैरिड आपको डाल देना दोस्तों। आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको डालना होगा दोस्तों, आपको बॉडी में क्या काटा उठा है तो आपको लिखना होगा दोस्तों। उसके बाद इस पर देख सकते हो स्टेट और ऑरिजिन डोमिसाइल, आपका डोमिसाइल क्या है, इंडिया में आपका स्टेट क्या है, इंडिया में जितना स्टेट है इस पर आप लोग को देखने को मिलेगा, वो आपको हिसाब से सिलेक्ट करना होगा दोस्तों। तो उसके बाद करेस्पॉन्डेंट एड्रेस आपको सिलेक्ट करना, आपका हाउस नंबर लेगा, आपका विलेज आपको डाल देना। उसके बाद आपका फिर से आपका स्टेट डाल देना दोस्तों, इंडिया में जितना स्टेट है इस पर आप लोग को 100 होने जाएगा, आपको हिसाब से डाल देना। आपका स्टेट सिलेक्ट करने के बाद आपका डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना होगा दोस्तों, आपका स्टेट सिलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली आपको आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है वो आपको सिलेक्ट कर देना। उसके बाद दोस्तों आपका पोस्ट ऑफिस डालना होगा दोस्तों आपका, उसके बाद दोस्तों आपका एरिया का पिन कोड डालना होगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगर प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप लोग को क्या करना है दोस्तों, सिंपली से इस पर टिक मार्क कर देना। अगर अलग अलग है तो प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आप लोग को क्या करना है दोस्तों, अलग अलग से ऊपर वाला भी डालना होगा, नीचे वाला भी डालना होगा दोस्तों। अगर सेम है तो इस पर टिक मार्क कर देना दोस्तों, वो आपको मैटर करता है, वो तो आपको पता है आपका हिसाब से। तो चलो उसके बाद आपको क्या है इसमें, आपका कास्ट टाइप आपका क्या है, अगर एस टी कैटेगरी में बिलोंग करता है शेड्यूल ट्राइब आपको इस पर लिखना होगा, अगर एस टी है तो आपका एस टी एस सी का फुल क्या है, ओबीसी ओबीसी अलग अलग से आपका डालना होगा दोस्तों। इस तरफ से आप लोग को भी आपको हिसाब से डाल देना, चलो मैं मेरा हिसाब से मैं फर्क से डाल देता हूँ। तो दोस्तों मैंने भर दिया दोस्तों मेरा, तो प्रेजेंट अगर प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो दोस्तों इस पर टिक मार्क कर देना दोस्तों। चलो मेरा तो प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है इसलिए इस पर टिक मार्क कर दूंगा। जैसे टिक मार्क करूंगा दोस्तों ऑटोमेटिकली नीचे फिलअप हो जाएगा, उसके बाद इस पर आपका जो भी कास्ट है वो आपको फुल नेम आप फुल तरफ से डाल देना। तो दोस्तों मैंने सारी मैंने भर दिया, उसके बाद इस तरफ से सारी भरने के बाद आप लोग को क्या करना है दोस्तों, ये ऊपर इस तरफ से देखने को मिलेगा, ये आप लोग को देख सकते सेव बटन पर सिंपली से क्लिक कर देना, सेव कर देना। जैसे सेव बटन पर क्लिक करके तो दोस्तों इस तरफ से थोड़ा लोडिंग देख सकते हो दोस्तों, डाटा सेव सक्सेसफुली ओके बटन पर सिंपली से क्लिक कर देना। उसके बाद ये ऊपर क्लिक कर देना एजुकेशनल एंड एडिशनल डिटेल बटन पर सिंपली से क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करोगे तो दोस्तों फिर से इस तरफ से इंटरफेस देने को मिलेगा, तो आपको इस पर आप लोग का क्वालिफिकेशन का डिटेल आपको भरना होगा दोस्तों। जैसे कि आप लोग को देख सकते हैं आपका क्लास 10 का रोल नंबर डाल देना, आपका स्कूल कॉलेज डाल देना, उसका आपका किस स्टेट से आपने क्लास 10 पास किया, इंडिया में जितना स्टेट है इस पर आप लोग को देखने को मिलेगा, आपको हिसाब से डाल देना। उसके बाद आपका वोट किया है इस पर आप लोग को देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका ईयर ऑफ पासिंग कौन सा ईयर में आपने क्लास 10 पास किया, उसके बाद टोटल मार्क किया है आपने, परसेंटेज से ग्रेड हो आपको हिसाब से डालना होगा दोस्तों। उसके बाद इसमें भी देख सकते हैं, इसमें क्लास 12 डिटेल का भी डाल सकते हो दोस्तों, इस पर फिर से सिलेक्ट कर देना, इस पर क्लास 12 का डिटेल भी भरना चाहते हो तो भर सकते हो, भर देना दोस्तों। रोल नंबर सेम इस तरफ से आपका कॉलेज स्कूल का नाम डाल देना, उसके बाद आपका स्टेट किस स्टेट से आपने क्लास 12 पास किया, उसके बाद फिर से आपका बोर्ड सेलेक्ट कर देना कौन सी ईयर में आपने पास किया क्लास 12, उसके बाद टोटल मार्क कितना है आपका परसेंटेज से ग्रेथ हुआ आपको डालना होगा दोस्तों। और डिग्री क्या ऐड करना चाहते हो तो ये देख सकते हो प्लस बटन पर क्लिक करके और भी ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद अगर स्पोर्ट अगर एक्सपीरियंस देना चाहते हो तो इस पर आप लोग को सिलेक्ट कर सकते हो, देख सकते हो क्या क्या एक्सपीरियंस है, इस पर आप लोग को सारी आपको भरना होगा दोस्तों। देख सकते हो अगर टाइपिंग भी कंप्यूटर आता है तो इस पर आप लोग को डालना होगा दोस्तों, देख सकते हो इंग्लिश टाइपिंग हार्डवेयर, इस तरफ से आप लोग को सारी आप लोग को देखने को मिलेगा दोस्तों। उसके बाद फिर चलो इसके बाद इस तरफ से आप लोग को भी फिलअप कर देना, चलो मेरे फटाक से मेरा हिसाब से डबल लेता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो मैंने सारी फिलअप कर दिया, उसके बाद सारी फिलअप करने के बाद फिर से आप लोग को देख सकते हो इस पर सेव बटन पर सिंपली से क्लिक कर देने, पहले जैसे देख सकते हो ऊपर सेव बटन पर सिंपली से सेव कर देना। जैसे सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो डाटा सेव सक्सेसफुली हो चुका है, उसके बाद दोस्तों आधार डिटेल पर सिंपली से फिर से क्लिक कर देना। जैसे आधार डिटेल पर क्लिक करोगे तो दोस्तों इस तरफ से फिर से आप लोग को इंटरफेस देने को मिलेगा, अगर स्पॉट मैन है तो अगर देना चाहते हो तो जो लोग अगर स्पॉट मैन सेलेक्ट किया वो आपको सेलेक्ट करना होगा दोस्तों। चलो मैंने तो स्पॉट मैन मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद इस तरफ से मेरा लेवल क्या है स्टेट लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल वो आपको हिसाब से डालना होगा दोस्तों। आपका मेडल क्या मेडल लिया वो आपको भरना होगा दोस्तों, सिल्वर गोल्ड पार्टिसिपेट वो आपको इस तरफ से आप लोग को देखने को मिलेगा। उसके बाद स्पोर्ट आपको डिसिप्लिन क्या है किस पोस्ट के लिए आपने किया है वो आपको हिसाब से आपको इस पर जितना स्पोर्ट है इंडिया में वो आपको सारी देखने को मिलेगा। उसके बाद नेम ऑफ कॉम्पिटिशन आप लोग को डालना होगा दोस्तों, इस तरफ से आप लोग को कंट्री क्या है स्टेट कौन सा है कौन सा ईयर में आपने खेला है पार्टिसिपेट वो आपको डालना होगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इस पर आप लोग को देखने को मिलेगा आपका डॉक्यूमेंट का डिटेल आपको इस पर भरना होगा दोस्तों, आपका कैटेगरी का है वो कैटेगरी साल की है तो आपको इस पर डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट नंबर डालना, कौन सा दिन में आपने इशू किया वो पर डालो, अथॉरिटी क्या है कौन सा स्टेट में डिस्ट्रिक्ट क्या है, लाइफ टाइम वैलिड है वो आपको डालना होगा दोस्तों। उसके बाद जो लोग स्पॉट पर्सन के लिए स्पॉट सेलेक्ट किया वो आपको इस पर सेम इसी तरफ कास्ट कैटेगरी जो भी आपने डाला इसी तरफ आप लोग को भी फिर से डालना होगा दोस्तों। उसके बाद अगर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आपका जो भी हो आपका डॉक्यूमेंट कास्ट सर्टिफिकेट स्पॉट पर्सन आपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज किया है तो यस बटन पर क्लिक करना, अगर यस करके आपको डिटेल भरना होगा दोस्तों। मैंने तो अभी तक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नहीं किया इसलिए नो ही कर दूंगा। तो दोस्तों इस तरफ से आपको हिसाब से फिलअप कर देना, चलो मेरा हिसाब से मैं फटाक से फिलअप कर लेता हूँ। दोस्तों देख सकते हो मैंने सारी फिलअप कर दिया, आपको भी आपको हिसाब से डाल देना। तो उसके बाद फिर से आप लोग को सेव बटन पर सिंपली से क्लिक कर देना, जैसे सेव बटन पर क्लिक करोगे तो थोड़ा इस तरफ से फिर से लोडिंग रहेगा,
दोस्तों देख सकते हो इस तरफ से फिर से डाटा सेव सक्सेसफुल हो जाएगा। ओके बटन पर सिंपली से क्लिक कर देना। उसके बाद दोस्तों देख सकते हो दोस्तों इस तरफ से देखने को मिलने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोडिंग डॉक्यूमेंट बटन पर सिंपली से फिर से क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करोगे तो दोस्तों फिर से इस तरफ से इंटरफेस देने को मिलेगा, तो आप लोग को डॉक्यूमेंट फिर से अपलोड करना होगा। दोस्तों डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट साइज भी दिया गया है दोस्तों, इस तरफ से देख सकते हो डॉक्यूमेंट साइज। फोटो एंड सिग्नेचर आप लोग को देख सकते हो 10 KB से लेकर 25 KB आप लोग को फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना होगा दोस्तों। उसके बाद आपका आईडी प्रूफ नंबर 3 वाला आईडी प्रूफ आपको सिलेक्ट करना होगा दोस्तों। इसमें आईडी प्रूफ क्या आईडी प्रूफ आप लोग को देना चाहते हो, आधार कार्ड पैन कार्ड जितना इसमें देखने के 100 मिले वो आपको सिलेक्ट करना होगा दोस्तों। मैंने आईडी प्रूफ सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद जो भी आपका आईडी प्रूफ सेलेक्ट करोगे इस पर आप लोग को नंबर डालना होगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आप लोग को क्या करना है दोस्तों, इस पर 30 KB से लेकर 50 KB आप लोग को अपलोड करना होगा दोस्तों इस तरफ से। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग को अपलोड करना होगा दोस्तों। जो लोग स्पॉट सर्टिफिकेट स्पॉट सेलेक्ट किया है वो स्पॉट सर्टिफिकेट आप लोग को अपलोड करना होगा दोस्तों। उसके बाद क्लास 10 का सर्टिफिकेट मार्कशीट हो आपको 5 सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद आपका जो भी सर्टिफिकेट नंबर है उस पर डालना होगा दोस्तों। नेक्स्ट आपको 30 KB से लेकर 50 KB आप लोग को अपलोड करना होगा दोस्तों। अपलोड करने के लिए सिंपली से चूज फाइल बटन पर क्लिक कर देना, तो आपको भी आपको हिसाब से सारी डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना। मेरा हिसाब से मैं फटाक से मैं अपलोड कर लेता हूँ दोस्तों। दोस्तों सारी फिलअप सारी अपलोड करने के बाद फिर से आप लोग को क्या करना है दोस्तों, सेफ एंड सेफ बटन पर सिंपली से क्लिक कर देना दोस्तों। जैसे सेफ बटन पर क्लिक करोगे डाटा सेफ सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों डिक्लेरेशन बटन पर सिंपली से क्लिक कर देना फिर से। जैसे डिक्लेरेशन बटन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों आपका एग्जाम सिटी आपको चूज करना होगा दोस्तों। उसके बाद आपका एग्जाम सिटी उसका इस तरफ से आपका एग्जाम सिटी दोस्तों इस पर। उसके बाद पोस्टिंग रीजन आपको सेलेक्ट करना होगा दोस्तों। देख सकते हो इस पर कौन सा जगह में आप एग्जाम देना चाहते हो आपको हिसाब से आपको डालना होगा दोस्तों। चलो मेरा हिसाब से मैं डालता हूँ दोस्तों। सारी आपको एग्जाम सिटी एंड पोस्टिंग आपको सेलेक्ट करने के बाद इस तरह से नीचे स्क्रॉल डाउन करके देना दोस्तों। ये आप लोग को देख सकते हो ये वाला आप लोग को टिक मार्क कर देना होगा करना होगा दोस्तों। उसके बाद आपका प्लेस आपका लिख लेना। उसके बाद ये कैप्चा आपको देख रहे हो दोस्तों इस पर फिलअप करते कैप्चा डाल देना। चलो मैं फटाक से डाल लेता हूँ दोस्तों। दोस्तों देख सकते हो मैंने कैप्चा भी डाल दिया। उसके बाद ये आपको टिक मार्क कर देना। चलो मैं टिक मार्क भी कर लेता हूँ दोस्तों। इस तरफ से आप लोग को टिक मार्क कर देना, टिक मार्क काफी ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये देख सकते हो प्रीव्यू एंड सबमिट बटन पर सिंपली से क्लिक कर देना दोस्तों। दोस्तों जैसे प्रीव्यू एंड सबमिट बटन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों इस तरफ से आप लोग को इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो ये आप लोग को सबमिट करने से अभी तक फाइनल सबमिशन नहीं है दोस्तों। फाइनल सबमिशन करने से पहले आप लोग को अच्छा से देख लेना, अगर एडिट करना चाहते हो तो एडिट भी कर सकते हो, अगर फाइनल सबमिशन करना चाहते हो तो फाइनल सबमिशन भी कर सकते हो दोस्तों। तो इस तरफ से अभी फाइनल सबमिट कर देना दोस्तों, तो इस तरफ से आप लोग को सक्सेसफुल हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरफ से आप लोग को भी अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो ऑल इंडिया गवर्नमेंट के जॉब के रिलेटेड के बारे में इसी चैनल में आप लोग को भी देखने को मिलते रहेगा और पोस्ट रहेगा। तो चलो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।